हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टैलेंट एंड सर्विसेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस के ग्रोथ के रिलेटेड टैली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। जो कि जीएसटी रिकॉन्सिलिएशन टूल है। इस टूल के अंदर हम जीएसटी का 2A और 2B का रिकॉन्सिलिएशन और 1 का भी रिकॉन्सिलिएशन अवेलेबल है, वो सारी फैसिलिटी अवेलेबल, उसके बारे में आप बताने जा रहे हैं। जैसा 2B का रिकॉन्सिलिएशन होता है वैसा का वैसा जीएसटी 2A का भी होगा, वैसा का वैसा जीएसटी 1 का भी रिकॉन्सिलिएशन होगा। तो हम क्या अभी पहले 2B का रिकॉन्सिलिएशन करेंगे, एज सेम प्रोसेस आपका 2A और 1 का होगा, तो हम एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जेसन फाइल्स को डाउनलोड करके रखना है। जेसन फाइलें डाउनलोड एक फोल्डर में कर देना है, और आपको जब भी 2B या 2B या 1 का रिकॉन्सिलिएशन करना है आपको उस पाथ को देना है। यहाँ पे हम 2B के रिकॉन्सिलिएशन में जा रहे हैं। सबसे पहले मैं परचेज रजिस्टर के बारे में इंट्रो दे देता हूँ। ये परचेज रजिस्टर जो है आपको इनवर्ट सप्लाई का जितना भी डिटेल्स है उसकी डिटेल्स के यहाँ पे बताएगा। मंथ वाइज वगैरह जिस भी मंथ पे क्लिक करोगे, एरर में अगर आपकी किसी एंट्री में एरर है तो एरर को शो कर देगा। यहाँ पे देखिए जर्नल पेमेंट रिसिप्ट, जर्नल पेमेंट परचेस, कोई भी एंट्री जो इनवर्ट सप्लाई से रिलेटेड है वो यहाँ पे बताएगा। नेक्स्ट है हम 2B रिकॉन्सिलिएशन समरी पे आते हैं। ये समरी क्या बताएगा कि हमारा रिकॉन्सिलिएशन में पार्टी वाइज समरी बताएगा, ट्रांजेक्शन को नहीं बताएगा, और डिटेल में जाएंगे तो हमें वो ट्रांजेक्शन बताएगा। तो फर्स्ट हम समरी पे जाते हैं। यहाँ मैंने पाथ दे दिया है। ये पूछ रहा है कि फाइल फॉर्मेट क्या है, जेसन है या जिप है। तो 2B का फाइल फॉर्मेट जेसन होता है, तो मैंने यहाँ पे जेसन ले लिया। इस 2B रिकॉन्सिलिएशन ये ऑप्शन है, ये डिफॉल्ट में यस ही रहेगा, और 2A होगा तो ये नो रहेगा। यहाँ पे वापस आ गया आ रहा है इग्नोर एग्जैक्ट मैचिंग बिल नंबर। अगर आप बिल नंबर को एग्जैक्ट मैच नहीं कराना चाहते, केवल नंबर को मैच कराना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन को यस करना है, ये डिफॉल्ट में यस ही रहता है। इससे क्या होता है कि 95% बिलों का आपका रिकॉन्सिलेशन हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, एग्जैक्ट मैच करेंगे तो उन बिलों में फिर जरा सी भी गलती होती है तो उनको मर्ज करना पड़ता है। उसके बाद में इग्नोर अमाउंट डिफरेंस अप टू टैक्स अमाउंट, तो कितने रुपए तक आप इग्नोर करना चाहते हो, इट मीन्स कि कितने रुपए तक का डिफरेंस अगर आता है तो उसे आप मैच में ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 रुपया दे दिया। यहाँ ये करने के बाद में जुलाई से मेरा 2B एप्लीकेबल हुआ था, तो मैं जुलाई पे जाता हूँ। यहाँ जुलाई पे क्लिक करते मेरे सामने ये डिटेल सारी आ गई है। यहाँ आपको देखो स्टेटस बता रहा है, फर्स्ट भी बता रहा है बिल्स इन टैली, टैली में कितने बिल्स है, पोर्टल पे कितने बिल्स हुए हैं। स्टेटस बता रहा है नॉट इन टैली, मींस वो बिल्स जो कि टैली में अवेलेबल नहीं है लेकिन पोर्टल में अवेलेबल है। मैच मींस जो टैली और पोर्टल दोनों में अवेलेबल है। नॉट इन टैली हो गया, नॉट इन पोर्टल मींस जो कि पोर्टल पे अवेलेबल है लेकिन टैली में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये सारे स्टेटस यहाँ पे आ गए हैं अकॉर्डिंग टू जेसन फाइल और टैली का जो हमारा करंट डेटा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन भी दिया गया है। अगर मुझे पर्टिकुलर किस अनमैच डेटा देखना है तो मैं अनमैच डेटा पे क्लिक करूंगा, मुझे अनमैच डेटा दिखाई देगा। शो ऑल क्लिक करूंगा तो मुझे सारे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद में अगर मुझे कॉन्फिगर करना है, कॉन्फिगर में जाके भी मैं पर्टिकुलर किसी एक स्टेटस को देखना चाहता हूँ तो मैं वो भी देख सकता हूँ। पार्टी को देखना चाहता हूँ तो पार्टी को भी देख सकता हूँ। तो ये सारे फिल्टर के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, उस फिल्टर को आप लगाओगे और जिस फिल्टर के हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, अभी अगर मुझे अब इसमें बिल की डिटेल में जाना है तो मैं इस पे एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने पे मुझे यहाँ पे पूरे बिलों की डिटेल्स दिखाई देगी कि कौन कौन से बिल मेरे मैच हो गए हैं। यहाँ भी ये डिटेल्स जो है हर पार्टी के अंदर हम जब एंटर मारेंगे तो ड्रिल डाउन रिपोर्ट में ये शो करेगा। अब हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट हमें डिटेल फॉर्मेट में एक ही स्क्रीन पे मिले, तो उसके लिए हम डिटेल वाली रिकॉन्सिलेशन में जाएंगे। यहाँ इसी रिकॉन्सिलेशन का इंटेंशन यही है कि हमें समराइज डिटेल्स पता चल जाते हैं कि कौन कौन सी पार्टी ऐसी है जिनका डेटा अनमैच है, यहाँ हमें समराइज डिटेल्स मिल जाती है। अब अगर मेरे किसी बिल में फर्क है या किसी बिल में नंबर का फर्क है तो वो अगर मुझे कोई भी काम करना है तो उसके लिए मुझे डिटेल वाले जीएसटी 2B रिकॉन्सिलेशन ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ रिटर्न फाइलिंग टाइप भी आ रहा है कि कौन सी पार्टी क्वार्टरली है, कौन सी पार्टी मंथली है। इसके लिए आपको उस पे पार्टी के अंदर जाके उसका स्टेटस अपडेट करना है। पार्टी के अंदर जाके यहाँ पे आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं कि वो पार्टी क्वार्टरली है या मंथली है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे स्टेटस पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी अपना फाइलिंग किस सिस्टम से करती है, मंथली सिस्टम से करती है या क्वार्टरली सिस्टम से करती है। ठीक है सर, अब हम चलते हैं यहाँ सेकेंड ऑप्शन पे, जीएसटी 2B रिकॉन्सिलेशन इन डिटेल। यहाँ जब हम क्लिक करते हैं सेम प्रोसेस है, वही पाथ देना है,
यहाँ हम टैक्स अमाउंट को इग्नोर करेंगे 1 रुपीज तक, और हम जब इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो जुलाई में जब मैं जाता हूँ तो मुझे पूरी की पूरी बिलों की डिटेल्स यहाँ पर शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे मेरे पूरे बिलों की डिटेल्स को शो कर रहा है, तो यहाँ मेरे सारे बिल सामने शो कर रहा है कि कौन कौन से बिल जो है मेरे मैच हो गए हैं, कौन कौन से बिल मेरे मैच नहीं हुए। अभी यहाँ देखिए ये दोनों डिटेल्स जो है एक ही पार्टी के है, लेकिन एक में बिल नंबर दिया हुआ है, एक में बिल नंबर नहीं दिया हुआ। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमारे यहाँ पे एक एक ऑप्शन आ रहा है नॉट इन टैली, एक ऑप्शन आ रहा है नॉट इन पोर्टल। ये दिन दोनों सेम है इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट करके क्या किया, यहाँ पे मर्ज बिल्स का ऑप्शन है, मर्ज बिल्स ऑप्शन पे जाके इसको जब मैं यस करता हूँ तो ये मर्ज होंगे और मैच हो जाएंगे। हमें सबसे पहले रिकॉन्सिलेशन का अदर स्टेटस अदर स्टेप लेने से पहले हमें सबसे पहले बिलों को मर्ज कर देना है, जो जो बिल्स हमारे मैच हो रहे हैं लेकिन किसी कारण से बिल मैच बिल नंबर का फर्क होने के कारण मैच नहीं हो रहा है या बिल डेट का फर्क होने से मैच नहीं हो रहा, तो उनको सेलेक्ट करके हमें मैच करवाना है। वो मैच मर्ज होने के बाद में हमारा स्टेटस मैच स्टेटस में आ जाएगा और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। ये मैंने मैच करवा दिया। और कौन से बिल है, आई थिंक अबाउट कोई बिल नहीं है, विष्णु एंटरप्राइजेज ये दो बिल है अभी, नहीं नॉट इन पोर्टल ही है ये, ठीक है। ये करने के बाद में आपके सामने देखिए सारे बिल मैच हो गए हैं, कुछ बिल अभी भी आ रहे हैं नॉट इन टैली, यानी कहने का मतलब ये है कि ये बिल पोर्टल पे अवेलेबल है लेकिन टैली में अवेलेबल नहीं है। अगर अब हमें इसकी क्रेडिट लेनी है तो हम इसके बिलों की एंट्री सीधा यहाँ से पोस्ट करके भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एंटर प्रेस किया, टैक्सेबल अमाउंट में मैंने उस लेजर का नाम लिया जो कि मुझे यहाँ पे शो कराना है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने जस्ट लाइक यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस अकाउंट टैक्सेबल एक्सपेंसेस ले लेता हूँ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस टैक्सेबल, सीजीएसटी का लेजर ले लिया इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी का लेजर ले लिया इनपुट एसजीएसटी, राउंड ऑफ ले लिया, वाउचर टाइप ये एंट्री मुझे जनरल में, एक्सपेंसेस की एंट्री इसलिए मैं जनरल में पास कर रहा हूँ, अगर आपके बिल की एंट्री है तो आप परचेज में पास कर सकते हैं। मैंने सीएस प्रेस किया, ये एंट्री मेरे पोस्ट हो जाएगी। ये एंट्री मेरे पोस्ट हो चुकी है। अब भारत संचार निगम लिमिटेड का जो मेरा बिल था वो यहाँ टैली के अंदर आ चुका है। यहां से ये करने के बाद में इस तरह से मैं जिस बिल का भी क्रेडिट लेना चाहता हूँ उस बिल का क्रेडिट यहाँ पे ले सकता हूँ। ये करने के बाद में यहाँ पे कुछ बिल है जो नॉट इन पोर्टल बता रहे हैं, ये बिल ये मेंशन कर रहे हैं कि इनका डेटा अभी मेरे यहाँ पे अगली पार्टी ने लोड नहीं किया है और इसकी क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, तो हमें क्या करना होता है कि इस क्रेडिट को रिवर्स करना होता है। लेकिन उससे पहले हमारा ये सारा जो स्टेटस है हमारी वाउचर एंट्री के अंदर अपडेट करना होता है, उसके लिए हमें इन सब एंट्री को सेलेक्ट करना है। सारी एंट्री को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ हमारे पास ऑप्शन है सेट टू ए स्टेटस, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ इन एंट्री को अपडेट करेंगे। मैंने ये यस प्रेस किया, 39 एंट्रीज का जो भी स्टेटस है ऑटोमेटिक मेरी सारी एंट्री में अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट हो चुका है, अब केवल पेंडिंग एंट्रीज हमारे सामने शो कर रहा है। इट मींस ये बाकी की सारी एंट्री तो शो ऑल करूंगा तो मेरे यहाँ वो अप्रूव में कन्वर्ट हो गई है। अप्रूव में कन्वर्ट होने का मतलब ये हुआ कि ये एंट्रीज जो सारी है अब मेरे यहाँ से मैच के स्टेटस में भी आ चुकी है और मेरे द्वारा वेरीफाई भी की जा चुकी है। अप्रूव एंट्रियों को हम ऐसे अगर एडिट करना चाहेंगे तो वो ऐसे एडिट नहीं होगी, अगर हमें एडिट करना है तो अल्टर जीएसटी स्टेटस पे जाके उसे एडिट करना होगा। इससे क्या होता है कि एक्सीडेंटली किसी भी एंट्री को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते बिना किसी वजह के, कोई वजह है तभी आप इनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा रिकॉन्सिलेशन टू बी। यहाँ हमने इस स्टेप को फॉलो करने के बाद में हमारे सामने ये स्टेटस आ गया कि इतनी एंट्री पेंडिंग है जो कि अभी तक मेरे पोर्टल पे अवेलेबल नहीं है। इनकी क्रेडिट मैं कब ले सकता हूँ, इनकी क्रेडिट मैं तब ले सकता हूँ जब अगली पार्टी उसका GSTR1 सबमिट करेगी। जब वो GSTR1 सबमिट करेगी और मैं वापस जब नया जेसन लोड करूंगा तो यहाँ पे ये जो अभी नॉट इन पोर्टल स्टेटस आ रहा है वो उसकी जगह मैच स्टेटस में आ जाएगा। और वैसे ही मुझे उस स्टेटस को फॉलो करना है, उस स्टेटस को अपडेट करना है मैच स्टेटस को, और वो फिर मेरे मैच वाले स्टेटस में कन्वर्ट हो जाएगा और पेंडिंग एंट्री से हटके वो मेरी मैच वाली स्टेटस वाली एंट्री में आ जाएगा। यहाँ हमारे पास
जो रिकॉन्सिलेशन करने के बाद में यहाँ पे जो डिटेल आ रही है पेंडिंग बिल्स फॉर आईटीसी अवेल में हम जाएंगे तो हमें यहाँ पे जुलाई की रिपोर्ट जब हम खोलेंगे तो मेरे को यहाँ पे पेंडिंग रिपोर्ट बता रहा है कि ये सारे बिल मेरे पेंडिंग है, इन बिलों को हमें रिवर्स करना है। अगर हम 3B के अंदर वही फिगर चाहते हैं जो कि फिगर हमारा पोर्टल पे आ रहा है और ये पोर्टल के अकॉर्डिंग ये बिल्स जो है हमारे नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ से इनकी रिवर्स एंट्री को पास करेंगे। रिवर्स एंट्री को पास करने के लिए इनको सेलेक्ट करने के बाद में सेट रिवर्स मंथ के ऊपर क्लिक करना है। सेट रिवर्स मंथ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको डेट देनी है कि किस मंथ में आप रिवर्स कर रहे हैं। मैं 31 जुलाई का कर रहा हूँ तो 31 जुलाई में ही इसकी रिवर्स एंट्री प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर डेट डालने के बाद में मैं यस करता हूँ। ये पूछा है डू यू वॉन्ट टू क्रिएट आईटीसी रिवर्स एंट्री, यस। डू यू वॉन्ट टू अपडेट, यस। यहाँ अब आप देखिए रिवर्सल मंथ मेरा आ चुका है, इन एंट्रियों को मैंने 31 जुलाई को रिवर्स कर दिया है। अभी मैं अगर 31 जुलाई का 3B देखूंगा तो वहां पे मेरे बकायदा यहाँ पे ये जो रिवर्स की डेट आई हुई है उस रिवर्स की एंट्री का भी डिटेल्स वहां पे मेंशन करेगा। चलो हम 3B में देख लेते हैं। एज पर रूल 42 एंड 43 यहाँ पे जो एंट्रियाँ मुझे रिवर्स करनी थी वो रिवर्स एंट्रियों की जनरल एंट्री ऑटोमेटिक पोस्ट हो चुकी है और ये मेरे 3B में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। नीचे नरेशन में पूरा बता रहा है कि कौन सा बिल नंबर है, क्या डेट का है और किस पार्टी का है। अब इनमें से अगर जिन बिलों की क्रेडिट मुझे नेक्स्ट मंथ में मिलती है उन बिलों को मुझे वापस रिक्लेम करना है तो उसकी रिक्लेम की पोस्ट एंट्री करनी पड़ेगी जो एज इट इज इसी तरह से प्रोसेस होगा जैसे मैंने अभी इसके अंदर किया है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो एंट्रियों का जो क्लेम है वो रेडी बिल फॉर आईटीसी वाली रिपोर्ट में जाके करना है। यहाँ जब जिन बिलों का मुझे क्रेडिट मिल चुका है उन बिलों को यहाँ लिस्ट के अंदर अभी देखो ये पेंडिंग लिस्ट में आ रहा है। अभी तक मैंने उनके ऊपर ये नहीं बताया कि इन बिलों की क्रेडिट मैंने कौन से महीने में की है तो यहाँ पे उन बिलों को सेलेक्ट करके मुझे इनकी क्रेडिट कौन से महीने में मिली है या मैं इनकी इन बिलों की क्रेडिट कौन से महीने में ले रहा हूँ वो यहाँ पे मेंशन करूंगा। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन दे दिया सेट आईटीसी अवेल मंथ, यहाँ पे मैंने 31 जुलाई दे दिया है, इन बिलों की क्रेडिट मैं 31 जुलाई में ले रहा हूँ तो यस प्रेस करते ये 31 जुलाई में अपडेट हो जाएंगे। अभी 31 जुलाई के अंदर कोई भी पेंडिंग नहीं बताएगा, दैट मींस शो ऑल करोगे तो आपको ये बता देगा कि मेरे ये 31 जुलाई के अंदर सारे बिलों की क्रेडिट ले ली। अब जो बिल मेरे पेंडिंग में थे जुलाई मंथ में, ये जुलाई मंथ के बिल मेरे पेंडिंग में थे, हम ये इमेजिन करते हैं कि इसमें से ये बिल मैच हो गया। नेक्स्ट मंथ अगर हम जीएसटी का रिकॉन्सिलेशन अपडेट करते हैं और ये इमेजिन कर लेते हैं कि ये बिल मैच हो गया तो मैंने फिलहाल इसको मैन्युअली मैच करवा दिया है तो जब मैं इसे मैच कराऊंगा तो ये बिल मेरा इस रिपोर्ट से निकल के मैच वाले रिपोर्ट में शो हो जाएगा। ये यहाँ से जा चुका है, ये यहाँ से जाके सीधा मेरे इस वाले रिपोर्ट में शो करेगा। ये बिल मैच हो चुका है लेकिन मैंने इस बिल का रिवर्स किया था 31 जुलाई को। अब ये मान लेते हैं कि अगस्त के अंदर इसका मेरे को क्रेडिट मिल रहा है तो हमें वापस इसका क्रेडिट रिक्लेम करना पड़ेगा। उसको सिलेक्ट करके हम रिक्लेम एंट्री के ऊपर प्रेस करेंगे और रिक्लेम एंट्री में कर रहा हूँ अगस्त महीने में तो मैंने यहाँ पे अगस्त का टाइम पीरियड देके इसको रिक्लेम कर दिया। वही प्रोसेस है जैसे मैंने रिवर्स किया था, बस फर्क सिर्फ इतना है यहाँ वो रिक्लेम हो रहा है। ये रिक्लेम होते क्या होगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। शो ऑल करूंगा तो मुझे ये एंट्री बता देगा। अभी जुलाई मंथ के अंदर मेरी एक एंट्री ऐसी है जो कि जिसका क्रेडिट मैंने अगस्त में लिया है, बाकी सारी एंट्रियां मैंने जुलाई मंथ में ही क्लेम कर ली है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाली जो एंट्री बता रहा है वो 31 अगस्त में ली हुई है, उसका रिवर्स मैंने 31 जुलाई को किया था और रिक्लेम मैंने 31 अगस्त को किया है। ये अगर मैं 3B को देखूंगा तो ये मेरे वहां पे रिक्लेम एंट्री में भी मेंशन कर देगा। तो इस तरह से हम अपनी एंट्रियों का एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किस एंट्री का क्रेडिट मैंने कौन से महीने में लिया है उस हर एंट्री का मेरे पास पूरा हिसाब किताब रहेगा कि मैंने एक एक एंट्री का क्रेडिट कौन कौन से महीने में लिया है। और यहाँ अगर मुझे फिल्टर करना, अभी जुलाई मंथ का डेटा है लेकिन अगर मुझे देखना है कि एग्जैक्टली जुलाई मंथ में मैंने किसका क्रेडिट लिया है तो यहाँ पे एक फिल्टर दिया हुआ आईटीसी डेट फिल्टर, यहाँ मैंने 31 जुलाई दिया तो मुझे केवल 31 जुलाई की ही एंट्रियां बताएगा, बाकी सारी एंट्रियां जो कि अगर जुलाई मंथ के होते हुए भी अगर नेक्स्ट मंथ में क्रेडिट लिया हो तो वो यहाँ से हट जाएगी।
तो मुझे एग्जैक्टली ये भी पता चल जाएगा कि किस महीने में मैंने कितने बिलों की क्रेडिट ली है। अगर यहाँ मैं 31 अगस्त देता हूँ तो यहाँ 31 अगस्त में 31 अगस्त का पूरा डिटेल्स बताएगा। फिलहाल अभी इसमें एक ही बिल बता रहा है क्योंकि मैंने अगस्त का रिकॉन्सिलेशन इसमें शामिल नहीं किया। तो ये था हमारा जीएसटी का 2B रिकॉन्सिलेशन। आपको 2A का रिकॉन्सिलेशन भी सेम है, इसी प्रोसेस से करना है। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ आप जब आ जाओगे तो आपको 2A का जो भी जेसन पार्ट है वो देना है। जैसे ही आप 2A का जेसन पार्ट दोगे, एज इट इज आपके सामने वही स्क्रीन ओपन होगी जो अभी पहले हुई थी, और आप 2A का भी रिकॉन्सिलेशन इसी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ आता है 3B का ऑप्शन। ये 3B मंथवाइज एनालिसिस बताता है, यानी पूरे महीने में आपका पूरे साल में आपको मंथली एनालिसिस करके बताएगा आउटवर्ड और इनवर्ड का डिटेल्स क्या है। लेफ्ट साइड आपके इस साइड में आउटवर्ड का बता रहा है और इस साइड में इनवर्ड का बता रहा है। टोटल आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी कितना हुआ, यहाँ इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी कितना हुआ। ये मंथली रिपोर्ट एक्सेल में जो डाउनलोड होती है उसको कंपेयर करने के काम आता है। उसके बाद में यहाँ जो अदर ऑप्शन है वो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का है। ईमेल भी कर सकते हो, उसको सेटअप करने के बाद में आप यहाँ पे ईमेल का जो सेटअप है वो सेटअप यहाँ पे दे सकते हो। आपको अपना आईडी पासवर्ड देना है ईमेल का, वो करने के बाद में आप यहाँ पे ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हो। और समरी रिपोर्ट में जाके आप किसी भी पार्टी का स्टेटमेंट ईमेल कर सकते हो अगर उस पार्टी के ईमेल एड्रेस दी हुई है तो। जैसे कि ये जुलाई मंथ में है, मैं यहाँ जाता हूँ, जुलाई मंथ में मैं मानता हूं कि मुझे इस पार्टी को अगर ईमेल करना है तो मैं इस पार्टी को सेलेक्ट करूंगा और ईमेल के ऊपर क्लिक करूंगा। ये मुझे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू ईमेल दिस रिपोर्ट, मैं जस्ट यस प्रेस करूंगा। अभी ये फेल इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें ईमेल एड्रेस है नहीं। अगर आपका ईमेल एड्रेस होगा तो ये पार्टी को ईमेल चला जाएगा। अब ये ईमेल में क्या जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ईमेल में एक पीडीएफ रिपोर्ट जाती है जो कि कुछ इस तरह से होती है। समरी रिपोर्ट के अंदर ही है। अगर आप ईमेल करना चाहो तो ईमेल कर सकते हो, अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये एक ईमेल रिपोर्ट है, आपने जो पीडीएफ फॉर्मेट में ये पूरा का पूरा रहा है, किस पार्टी का है, किस पार्टी से है और क्या फर्क आ रहा है, वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। ये मेल आप ये पीडीएफ फाइल आपके मेल पे चली जाएगी, पार्टी के मेल पे। सो आई होप आप सभी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Have a nice day.